वीडियोस देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए आप बेल आइकन को क्लिक करें। हेलो दोस्तों, हाजिर हैं नए वीडियो के साथ। आज हम डिटेल्ड कंपैरिजन लेके आए हैं वर्ल्ड के फास्टेस्ट फोन के साथ वर्ल्ड के बेस्ट सेमी फ्लैगशिप फोन के बीच में। वर्ल्ड का जो फास्टेस्ट फोन है वो है एसस का आरओजी फोन 3 वर्सेस वर्ल्ड का बेस्ट सेमी फ्लैगशिप फोन वन प्लस नॉर्ड जो अभी रिसेंटली लॉन्च होने ही वाले हैं। हम इस वीडियो में 12GB रैम और 256GB रोम वाले वेरिएंट को ही कंपेयर करेंगे। दोनों के प्राइस पॉइंट को देख लेते हैं। Asus ROG आता है 57,999 का, जबकि OnePlus Nord आता है 29,999 का। करीबन Asus ROG दुगना महंगा है OnePlus से। इस कंपैरिजन में हम सिर्फ यही चेक करेंगे कि अगर हम Asus ROG के लिए दुगने पैसे दे रहे हैं तो क्या हमें दुगनी स्पेसिफिकेशंस मिल रही हैं? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो दोनों की टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस देख लेते हैं। स्पेसिफिकेशंस को हर बार की तरह 5-600 में डिवाइड कर लेते हैं। डिस्प्ले, परफॉर्मेंस, स्टोरेज, कैमरा और बैटरी। तो सबसे पहले डिस्प्ले देखते हैं। अगर दोनों की स्क्रीन साइज देखें तो Asus ROG की स्क्रीन है 6.59 इंचेस की, जबकि OnePlus Nord की है 6.44 इंचेस की। तो यहाँ बड़ी स्क्रीन होने की वजह से Asus ROG विनर रहेगा। अगर दोनों की स्क्रीन टाइप को देखें तो Asus ROG की है AMOLED स्क्रीन, जबकि OnePlus की है फ्लूइड AMOLED। वैसे फ्लूइड AMOLED थोड़ा सा एज ले जाता है AMOLED से, लेकिन Asus ROG का जो रिफ्रेश रेट है वो इतना ज्यादा तेज है, मैं आगे आपको बताने वाला हूँ, जिसकी वजह से आपको AMOLED और फ्लूइड AMOLED में कोई फर्क नहीं पता चलेगा। तकरीबन दोनों ही बिल्कुल बराबर है, तो दोनों ही विनर रहेंगे। अगर दोनों की स्क्रीन प्रोटेक्शन की बात करें तो Asus ROG फोन 3 में गोरिल्ला ग्लास 6 का प्रोटेक्शन है फ्रंट में और गोरिल्ला ग्लास 3 का प्रोटेक्शन है बैक में, जबकि OnePlus Nord में गोरिल्ला ग्लास 5 का प्रोटेक्शन है बोथ फ्रंट एंड द बैक। प्रोटेक्शन के मामले भी दोनों फोन विनर रहेंगे। दोनों की स्क्रीन रिफ्रेश रेट को कंपेयर करते हैं तो यहाँ बहुत बड़ा अंतर है। Asus ROG का स्क्रीन रिफ्रेश रेट है 144 हर्ट्ज का, जबकि OnePlus का है 90 हर्ट्ज का। स्क्रीन रिफ्रेश रेट आपको फोन के साथ जो टच रेस्पॉन्स है उसको बताता है, तो यहाँ Asus ROG OnePlus को काफी पीछे छोड़ देता है। लेकिन अगर 90 हर्ट्ज को डेली यूजेज में देखें तो बहुत बेहतरीन होता है, लेकिन 144 कुछ ज्यादा स्पेशल है। लेकिन एक 144 का ड्रॉबैक भी है कि ज्यादा रिफ्रेश रेट होने की वजह से जो बैटरी का कंजम्पशन है वो भी बहुत ज्यादा तेज होता है। तो यहाँ पर स्क्रीन के रिफ्रेश रेट में Asus ROG विनर रहेगा। अगर दोनों की परफॉर्मेंस को कंपेयर करें तो Asus ROG वर्ल्ड का अब तक का सबसे फास्टेस्ट फोन है। इसमें लगा है Qualcomm Snapdragon 865 प्लस का चिपसेट, जो कि 7 नैनोमीटर आर्किटेक्चर पर काम करता है, कि OnePlus Nord में लगा है Qualcomm का ही Snapdragon 765G जो कि 7 नैनोमीटर आर्किटेक्चर पर काम करता है। अब दोनों में परफॉर्मेंस का कोई कंपैरिजन ही नहीं है, फार बिहाइंड रह जाता है इसमें OnePlus Nord, क्योंकि Asus ROG तो बहुत बहुत सुपर फास्ट है। इस चीज को सर्टिफाई करने के लिए Antutu बेंचमार्क स्कोर भी आप देख सकते हो, जो कि आपकी स्क्रीन पर आ रहा है। Asus ROG का Antutu स्कोर है 6,67,000, जबकि OnePlus का सिर्फ 3,30,000 ही है। तो तकरीबन दुगना फास्ट है Asus ROG फोन 3। तो परफॉर्मेंस लेवल पर Asus ROG फोन 3 की कोई टक्कर नहीं है। अगर आप CPU को भी देखें तो Asus ROG में लगा है 3.1 GHz का प्रोसेसर, जबकि OnePlus में लगा है 2.4 GHz का। आप टोटल परफॉर्मेंस के मामले में और स्पीड के मामले में Asus ROG के सामने कोई खड़ा ही नहीं हो सकता। तो यहाँ पर बिल्कुल क्लियर विनर है Asus ROG फोन 3। चलिए स्टोरेज डिपार्टमेंट की तरफ चलते हैं, क्योंकि हमने शुरू में आपको बताया था कि हमने दोनों का सेम वेरिएंट लिया है 12GB रैम और 256GB रोम में, तो इसमें कोई कंपैरिजन ही नहीं है, दोनों ही वेरिएंट बिल्कुल सेम है। अगर कैमरा डिपार्टमेंट की तरफ चलें और रियर कैमरा को देखें तो ट्रिपल कैमरा सेटअप है Asus ROG में, जिसका मेन कैमरा है 64 मेगापिक्सल का, 13 मेगापिक्सल का वाइड एंगल लेंस है और 5 मेगापिक्सल का मैक्रो लेंस है। अगर OnePlus की बात करें तो इसमें लगा है क्वाड कैमरा सेटअप रियर में, 48 मेगापिक्सल का मेन लेंस है, 8 मेगापिक्सल का वाइड एंगल लेंस है, 5 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर है और 2 मेगापिक्सल का मैक्रो लेंस है। तो Asus ROG का मेन कैमरा बेहतर होने की वजह से रियर कैमरे में Asus ROG विनर रहेगा। वहीं हम फ्रंट कैमरे की बात करें तो Asus ROG में लगा है 24 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा, जबकि OnePlus के फ्रंट में लगा है डुअल कैमरा 32 मेगापिक्सल का और 8 मेगापिक्सल का। तो यहां पर क्लियर विनर रहेगा OnePlus Nord। अगर दोनों के बैटरी डिपार्टमेंट को चेक करें तो यहाँ पर फिर से क्लियर विनर हो जाता है Asus ROG फोन 3, क्योंकि इसमें लगी है 6000 mAh की मॉन्स्टर बैटरी, जिसमें 13 वॉट क्विक चार्जिंग का सपोर्ट है, जबकि OnePlus में लगी है 4115 mAh की बैटरी, उसमें भी 30 वॉट फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट है। तो बैटरी कैपेसिटी में क्लियर विनर है Asus ROG फोन 3, जबकि चार्जिंग स्पीड दोनों की सेम है। अगर कुछ अदर फीचर्स की बात करें और उसमें हम देखें वेट के बारे में, तो Asus ROG काफी भारी फोन है 240 ग्राम्स का, कि OnePlus है 184 ग्राम्स का। तो यहाँ पर लाइट वेट होने की वजह से OnePlus विनर रहेगा, लेकिन यहाँ पर Asus ROG इसलिए भारी क्योंकि उसमें 6000 mAh की बैटरी लगी हुई है। अगर स्क्रीन के ब्राइटनेस की बात करें तो मैक्सिमम ब्राइटनेस है Asus ROG का 650 nits का, जबकि OnePlus का है 1000 nits का। अभी nits वैल्यू क्या होता है वो मैं आपको बता देता हूँ, कि अगर आप इस फोन को बाहर धूप में यूज करेंगे तो कौन आपको बेहतर डिस्प्ले देगा। तो जिन जिन स्मार्टफोन्स की 600 प्लस की nits वैल्यू है सब बेहतर ही फोन है, लेकिन यहाँ पर OnePlus का है 1000 nits, तो ये बहुत पीछे छोड़ देता है Asus ROG फोन 3 को, और क्लियर विनर रहेगा OnePlus।
अगर UFS स्टोरेज की बात करें तो ASUS ROG में 3.1 का स्टोरेज है और OnePlus में 2.1 का स्टोरेज। इस UFS स्टोरेज का ज्यादा होने का फायदा देखिए, फास्टर राइटिंग स्पीड हो जाता है, बेटर पावर एफिशिएंसी हो जाता है और मोर स्टेबल परफॉर्मेंस अंडर लोड हो जाता है। मतलब ज्यादा वजन पड़ेगा अगर हम मल्टीटास्किंग करेंगे तो कौन ज्यादा बेहतर परफॉर्म करेगा, तो उसमें क्लियर विनर रहेगा ASUS ROG Phone 3। अब दोनों में ही डिसअपॉइंटिंग है कि दोनों में ही 3.5mm ऑडियो जैक का सपोर्ट नहीं है, लेकिन यहाँ पर आपको घबराने की जरूरत नहीं है। ASUS ROG में एक साथ में डोंगल आएगा बॉक्स के अंदर, जिससे आप अपने सारे ऑडियो इक्विपमेंट्स जोड़ पाएंगे जो कि OnePlus में अवेलेबल नहीं है। तो यहाँ पर फिर से क्लियर विनर रहेगा ASUS ROG Phone 3। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, रिवर्स चार्जिंग की बात करें तो ASUS ROG 10W रिवर्स चार्जिंग को भी सपोर्ट करता है। मतलब ASUS ROG को आप अपने पावर बैंक की तरह भी यूज कर सकते हैं, लेकिन रिवर्स चार्जिंग को सपोर्ट नहीं करता है OnePlus Nord। चलिए लास्ट में फाइनल वर्डिक्ट ले लेते हैं। टोटल 10 कंपैरिजन हमने लिए, जिसमें से 7 बार ASUS ROG Phone 3 विनर रहा और 3 बार OnePlus Nord विनर रहा। तो यहाँ से बहुत क्लियर हो जाता है कि इस समय ASUS ROG Phone 3 को इस पृथ्वी पर अभी कोई भी फोन टक्कर नहीं दे सकता है, तो उसके सामने अभी कोई फोन स्टैंड नहीं कर सकता है। अगर आप 60,000 रुपीज के आसपास खर्च कर सकते हैं तो ASUS ROG आपके लिए बहुत बेस्ट चॉइस रहेगा, लेकिन अगर आप एक सेमी मिड रेंज फ्लैगशिप फोन ढूंढ रहे हैं तो OnePlus Nord से बेस्ट फोन इस समय कोई है ही नहीं आपके लिए। तो दोनों फोन बहुत ही जल्दी अगस्त मंथ में रिलीज होने वाले हैं, तो चलिए वेट करते हैं दोनों फोन का। तो आज का वीडियो यहीं फिनिश करते हैं, आपको हमारा वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में लगे बेल आइकन को भी हिट कर दें, जिससे आगे आने वाले टेक वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो मिलते हैं अगले टेक वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।